तो अगस्त में दुनिया किसी तरह बच गई, लेकिन सितंबर में दूसरा बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को ऐसी वार्निंग दे दी है कि बाइडन और नेतन्याहू दोनों बहुत परेशान हैं। ईरान ने कहा है कि उसका नया ड्रोन दुश्मनों के हाथ काट देगा। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है, ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه، حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. ईरान की राजधानी तेहरान में जब ये ड्रोन दिखाया गया तो वहां के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखने लायक था। चकाचौंध वाले इस डिफेंस शो में मोहाजिर 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9 जिसे प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था, लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी ये इसराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाजे ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इसराइल घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। به نحوی این کاری که در صنایع نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون به ما کاملا عوض شده. ایران ایک ڈرون پاور ہے اور دنیا یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ ایران سے یدھ کرنا آسان نہیں ہے۔ پشچم ایشیا میں ایران نے اپنے ڈرون پاور کی بدولت ایسا دبدبہ قائم کیا ہے कि इसका खौफ इसराइल तक नजर आता है। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इसराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मोहाजिर 10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ईरान जानता है कि जब तक उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर मजबूत है, ये बात मायने नहीं रखती कि उसकी कमजोर एयरफोर्स इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कैसे काम करेगी। دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته.
मोहाजिर 10 ईरान के ड्रोन मोहाजिर 6 का नया वर्जन है और अब इसमें पुराने वर्जन के मुकाबले दोगुना ज्यादा फायर पावर है। अमेरिका का तो ये भी इल्जाम है कि ईरान अपने मोहाजिर 6 ड्रोन रूस को सप्लाई कर चुका है, जिससे यूक्रेन में लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान का नया ड्रोन मोहाजिर 10 पुराने वर्जन के मोहाजिर 6 के मुकाबले काफी बेहतर है। और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक वीडियो और चर्चा में है। उन्होंने डिफेंस शो में खुर्रम शहर मिसाइल के आगे चलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। इसमें रईसी 6 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये ईरान की लेटेस्ट मिसाइल है और इसको दिखाने का मतलब साफ है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और ईरान अपनी वार्निंग को हमले में बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसा वो जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद करके दिखा चुका है, जब 8 फरवरी 2020 को उसने इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर 22 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। अब ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉर हेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल के आगे इसराइल और अमेरिका दोनों का कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का पैट्रियट। موشک رادار گریزی و عبور از پدافند ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन में रूस की बड़ी मदद कर रहा और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। फिलहाल ईरान का पूरा फोकस ड्रोन पावर बढ़ाने पर है। ईरान जानता है कि कम लागत से तैयार की गई इस फोर्स से अमेरिका और इजराइल जैसी आधुनिक सेनाओं से भी मुकाबला कर सकता है। ऐसा उसने रूस को ड्रोन सप्लाई करके साबित कर दिया है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर अमेरिका ने बहुत सख्त एतराज जताया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान रूस को अपने ड्रोन सप्लाई करना बंद कर दे। रूस को ईरान ने हजारों शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं, जिन्हें कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन से रूस यूक्रेन के बड़े टारगेट पर धमाका कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन के हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। इस ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे उड़ाए जा रहे हैं और इस ड्रोन से यूक्रेन के बड़े बड़े शहर तबाह किए जा रहे हैं। और देश दुनिया की ताजा खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अब आप न्यूज 18 इंडिया से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और न्यूज 18 इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बनिए।